हाय गाइस, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं ट्रू कंपेयर। आज हम डेविड वार्नर, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा के बीच टेस्ट, ओडीआई, टी20आई और आईपीएल करियर कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे एबी डिविलियर्स का जन्म 1984 में हुआ था, क्रिस गेल का जन्म 1979 में हुआ था, डेविड वार्नर का जन्म 1986 में हुआ था और रोहित शर्मा का जन्म 1987 में हुआ था। एबी डिविलियर्स की करेंट एज 37, क्रिस गेल की करेंट एज 41, डेविड वार्नर की करेंट एज 34 और रोहित शर्मा की भी करेंट एज 34। एबी डिविलियर्स की हाइट 5 फीट 11 इंच और वेट 75 किलो है। क्रिस गेल की हाइट 6 फीट 2 इंच और वेट 98 किलो है। डेविड वार्नर की हाइट 5 फीट 7 इंच और वेट 75 किलो है और रोहित शर्मा की हाइट 5 फीट 8 इंच और वेट 72 किलो है। एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और रोहित शर्मा टीम इंडिया के वाइस कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। एबी डिविलियर्स ने 2004 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। क्रिस गेल ने 2000 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। डेविड वार्नर ने 2009 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और रोहित शर्मा ने 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। एबी डिविलियर्स राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। क्रिस गेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। डेविड वार्नर भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है और रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। एबी डिविलियर्स नंबर 4 पर बैटिंग करता है। क्रिस गेल ओपनिंग पर बैटिंग करता है। डेविड वार्नर भी ओपनिंग पर बैटिंग करता है और रोहित शर्मा भी ओपनिंग पर बैटिंग करता है। अब बात करते हैं उनके टेस्ट बैटिंग के बारे में। एबी डिविलियर्स ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। क्रिस गेल ने 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। डेविड वार्नर ने 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और रोहित शर्मा ने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। एबी डिविलियर्स ने कुल 114 मैच खेले, क्रिस गेल ने 103 मैच खेले, डेविड वार्नर ने 86 मैच खेले और रोहित शर्मा ने 38 मैच खेले है। एबी डिविलियर्स ने 191 पारी खेलकर 8765 रन बनाई है। क्रिस गेल ने 182 पारी खेलकर 7215 रन बनाई है। डेविड वार्नर ने 159 पारी खेलकर 7311 रन बनाई है और रोहित शर्मा ने 64 पारी खेलकर 2615 रन बनाई है। टेस्ट क्रिकेट में एबी डिविलियर्स की बैटिंग औसत 50.70, क्रिस गेल की बैटिंग औसत 42.20, डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 48.10 और रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 46.70। एबी डिविलियर्स की स्ट्राइक रेट 54.50, क्रिस गेल की स्ट्राइक रेट 60.30, डेविड वार्नर की स्ट्राइक रेट 72.70 और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 58.40। टेस्ट क्रिकेट में एबी डिविलियर्स की बेहतरीन स्कोर 278, क्रिस गेल की बेहतरीन स्कोर 333, डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 335 और रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 212। एबी डिविलियर्स ने 22 सेंचुरी और 46 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्रिस गेल ने 15 सेंचुरी और 37 हाफ सेंचुरी बनाई है। डेविड वार्नर ने 24 सेंचुरी और 30 हाफ सेंचुरी बनाई है और रोहित शर्मा ने 7 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी बनाई है। एबी डिविलियर्स ने 64 छक्के और 1024 चौके लगाए हैं। क्रिस गेल ने 98 छक्के और 1046 चौके लगाए हैं। डेविड वार्नर ने 56 छक्के और 859 चौके लगाए हैं और रोहित शर्मा ने 59 छक्के और 273 चौके लगाए हैं। अब बात करते हैं उनके ओडीआई रिकॉर्ड्स के बारे में। एबी डिविलियर्स ने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। क्रिस गेल ने 1999 में इंडिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। डेविड वार्नर ने 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। वनडे क्रिकेट में एबी डिविलियर्स ने कुल 228 मैच खेले, क्रिस गेल ने 301 मैच खेले, डेविड वार्नर ने 128 मैच खेले और रोहित शर्मा ने 227 मैच खेले है। एबी डिविलियर्स ने 218 पारी खेलकर 9577 रन बनाए हैं। क्रिस गेल ने 294 पारी खेलकर 10480 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर ने 126 पारी खेलकर 5455 रन बनाए हैं और रोहित शर्मा ने 220 पारी खेलकर 9205 रन बनाए हैं।
ओडीआई क्रिकेट में एबी डी विलियर्स की बैटिंग औसत 53.50, क्रिस गेल की बैटिंग औसत 37.70, डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 45.10 और रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 48.90। एबी डी विलियर्स की स्ट्राइक रेट 101.10, क्रिस गेल की स्ट्राइक रेट 87.20, डेविड वार्नर की स्ट्राइक रेट 95.50 और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 88.90। वनडे क्रिकेट में एबी डी विलियर्स की बेहतरीन स्कोर 176, क्रिस गेल की बेहतरीन स्कोर 215, डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 179 और रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 264। एबी डी विलियर्स ने 25 सेंचुरी और 53 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्रिस गेल ने 25 सेंचुरी और 54 हाफ सेंचुरी बनाई है। डेविड वार्नर ने 18 सेंचुरी और 23 हाफ सेंचुरी बनाई है और रोहित शर्मा ने 29 सेंचुरी और 43 हाफ सेंचुरी बनाई है। एबी डी विलियर्स ने 204 छक्के और 840 चौके लगाए हैं। क्रिस गेल ने 331 छक्के और 1128 चौके लगाए हैं। डेविड वार्नर ने 85 छक्के और 571 चौके लगाए हैं और रोहित शर्मा ने 244 छक्के और 832 चौके लगाए हैं। अब बात करते हैं उनके T20I बैटिंग के बारे में। एबी डी विलियर्स ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I डेब्यू किया। क्रिस गेल ने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I डेब्यू किया। डेविड वार्नर ने 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I डेब्यू किया और रोहित शर्मा ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20I डेब्यू किया। T20I क्रिकेट में एबी डी विलियर्स ने कुल 78 मैच खेला। क्रिस गेल ने 61 मैच खेले, डेविड वार्नर ने 81 मैच खेले और रोहित शर्मा ने 111 मैच खेले है। एबी डी विलियर्स ने 75 पारी खेलकर 1672 रन बनाए है। क्रिस गेल ने 57 पारी खेलकर 1658 रन बनाए है। डेविड वार्नर ने 81 पारी खेलकर 2265 रन बनाए है और रोहित शर्मा ने 103 पारी खेलकर 2864 रन बनाए है। T20I क्रिकेट में एबी डी विलियर्स की बैटिंग औसत 26.10, क्रिस गेल की बैटिंग औसत 31.30, डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 31.50 और रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 32.20। एबी डी विलियर्स की स्ट्राइक रेट 135.20, क्रिस गेल की स्ट्राइक रेट 140.80, डेविड वार्नर की स्ट्राइक रेट 139.70 और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 138.90। T20I क्रिकेट में एबी डी विलियर्स की बेहतरीन स्कोर 79, क्रिस गेल की बेहतरीन स्कोर 117, डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 100 और रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 118। एबी डी विलियर्स ने 11 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्रिस गेल ने 2 सेंचुरी और 13 हाफ सेंचुरी बनाई है। डेविड वार्नर ने 1 सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी बनाई है और रोहित शर्मा ने 4 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी बनाई है। एबी डी विलियर्स ने 60 छक्के और 140 चौके लगाए हैं। क्रिस गेल ने 106 छक्के और 141 चौके लगाए हैं। डेविड वार्नर ने 89 छक्के और 219 चौके लगाए हैं और रोहित शर्मा ने 133 छक्के और 252 चौके लगाए हैं। अब बात करते हैं उनके IPL बैटिंग के बारे में। एबी डी विलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेट कीपर बैट्समैन है। क्रिस गेल पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बैट्समैन है और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन एंड ओपनर बैट्समैन है। एबी डी विलियर्स ने कुल 176 मैच खेले। क्रिस गेल ने 140 मैच खेले, डेविड वार्नर ने 148 मैच खेले और रोहित शर्मा ने 207 मैच खेले है। एबी डी विलियर्स ने 162 पारी खेलकर 5056 रन बनाए है। क्रिस गेल ने 139 पारी खेलकर 4950 रन बनाई है। डेविड वार्नर ने 148 पारी खेलकर 5447 रन बनाई है और रोहित शर्मा ने 202 मैच खेलकर 5480 रन बनाई है। IPL में एबी डी विलियर्स की बैटिंग औसत 40.80, क्रिस गेल की बैटिंग औसत 40.20, डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 42.20 और रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 31.50। एबी डी विलियर्स की स्ट्राइक रेट 152.40, क्रिस गेल की स्ट्राइक रेट 149.50, डेविड वार्नर की स्ट्राइक रेट 140.10 और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 130.50। IPL में एबी डी विलियर्स की बेहतरीन स्कोर 133, क्रिस गेल की बेहतरीन स्कोर 175, डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 126 और रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 109।
एबी डिविलियर्स ने 3 सेंचुरी और 40 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्रिस गेल ने 6 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी बनाई है। डेविड वार्नर ने 4 सेंचुरी और 50 हाफ सेंचुरी बनाई है और रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी और 40 हाफ सेंचुरी बनाई है। एबी डिविलियर्स ने 245 चौके और 406 चौके लगाई है। क्रिस गेल ने 357 छक्के और 404 चौके लगाई है। डेविड वार्नर ने 200 छक्के और 526 चौके लगाई है और रोहित शर्मा ने 224 छक्के और 476 चौके लगाए हैं। तो गाइस स्टेट्स के अनुसार हम जांच करें तो पर्सनली मुझे लगता है मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट प्लेयर कौन है कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल में नई हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।